अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं पारसी पॉइंट से, और पारसी पॉइंट से हम लोग निकलने के बाद हम लोग जाएंगे महाबलेश्वर। तो सुबह के वक्त यानी कि 12 बजे के वक्त हम लोग निकले थे नाश्ता वगैरह करके। तो हम लोग ने पारसी पॉइंट कवर किया, एक डेढ़ घंटा लगा वहाँ पर। तो सबको भूख लग गई थी, लंच का टाइम हो गया था। तो वहाँ फिर हम लोग अभी महाबलेश्वर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर पहले लंच कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कितने कार्स है, और यहाँ पर ये सब होटल्स है इस तरीके से सेपरेट सेपरेट बने हुए अलग अलग प्लेसेस पे। और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत लगी थी, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है आगे जाते हुए पारसी पॉइंट से आगे जाते हुए वीना लेक आता है, और ये जो है लोग ना ये इस तरीके से अलग अलग शॉप्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए रिजॉर्ट है, शॉप्स है, शॉप्स बोले तो उसके जैम्स की बॉटल है, और क्रश होता है स्ट्रॉबेरी का, और अलग अलग फ्लेवर के क्रश होते हैं, चिक्की है, और आपको ऐसी फज मिलेगा यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का, चॉकलेट का, यानी कि जो भी फ्लेवर में आपको चाहिए फज है। और ये है म्यूनसिपल्टी का टैक्स ले रहे हैं यहाँ पर महाबलेश्वर में, जैसे एंटर होते हैं यहाँ पर टैक्स यानी कि लोग कलेक्ट करते हैं हर टूरिस्ट से। तो उसका पे करने के बाद हम लोग ने कार पार्किंग में लगा दिए थे, और उसके बाद हमारी जो होटल है जहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं हमेशा लंच या डिनर जब भी रुकते हैं। तो ये देखिए ये वीना लेक है, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और बोटिंग होती है, वीना लेक बोलते हैं इसको। ये आपको मैं बाद में बताऊँगी इसका वीडियो, अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ने वापसी में वो वीडियो जो है शूट किए थे, मैंने शूट की थी वीना लेक का वापस आते टाइम पे, क्योंकि अभी धूप का टाइम है तो फिर इतना यानी कि पूरा खुले में बहुत धूप होती है तो अच्छा नहीं लगता है ना हॉर्स राइडिंग करना। शाम के वक्त बहुत अच्छा लगता है ठंडे ठंडे में। तो ये महाबलेश्वर का मार्केट है, हम लोग ने कार पार्किंग कर चुके हैं, और ये देखिए मार्केट है। यहाँ पर हम लोग अभी मिनरल वाटर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे होटल की तरफ। तो हमारा सबका जो यानी कि फेवरेट होटल है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ अमान होटल हम लोग वहाँ पर गए थे, लंच किए। और आपको मैं बता रही हूँ अभी महाबलेश्वर का मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, और यहाँ पर जो है एक से एक ब्यूटीफुल आइटम्स मिलते हैं। आइटम्स इन द सेंस आपको शूज़ में हो गया, एक से एक डिज़ाइंस के वैराइटीज़ के शूज़, सैंडल्स और कपड़े है। और ये देखिए ये सब होटल्स है लाइन से, आगे मार्केट है थोड़ा। और आपको यहाँ पर वुडन के जो बनी हुई चीज़ें होती है, इनके वुडन की कोम हो गई, यानी कि वुडन की हर चीज़ें छोटी मोटी जो बनी हुई होती है यहाँ पर उसके शॉप्स है, और वुडन के यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं। और आपको आयरन के जो बोलते हैं ना कढ़ाई वगैरह होते हैं, फ्राई पैन, तवा, कढ़ाई, वो सब मिलेगा आपको यहाँ पर। यानी कि अभी जो हम लोग लेडीज़ लोग थे तो हम लोग जो है शॉपिंग में इतने ये हो गए ना, यानी कि सब चीज़ वापस आते वक्त हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग की थी।
अगर आप महाबलेश्वर आ रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट 6 दिन का टूर लेकर निकलिए आराम से, एकदम रिलैक्स करते हुए, अच्छे से कोई होटल में रुक कर। और ये देखिए इस तरीके से कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आइटम्स होते हैं, यहाँ पर विंटर में वेयर करने के आइटम्स हैं। और ये है चिक्की वगैरह की शॉप्स, चिक्की आप हो गया, फज हो गया, क्रश हो गया, स्ट्रॉबेरी क्रश, हर तरीके के हर फ्लेवर के आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स मिल्क में डालकर जो पीते हैं वो सब। और यहाँ का जो फूड है ना, वो तो अमेजिंग है, यहाँ के होटल्स में बहुत अच्छा खाना मिलता है। और आप लोग आराम से जो है घूम घूम कर इन्हीं के एक एक पॉइंट कवर कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इन्हीं के टाइप्स के आपको यहाँ पर पर्सेस और शूज़, सैंडल्स, ड्रेसेस, ब्लैंकेट्स, हर टाइप के इन्हीं के आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही ह्यूज वैरायटी में है। और स्पेशली जो है विंटर्स के है यहाँ पर। ये देखिए ब्लैंकेट्स की शॉप्स थी यहाँ पर, तो इसके पहले भी हम लोग जो है आ चुके हैं, लेकिन मैंने इतना कवर नहीं किया था और मैं जब भी ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, तो इसके पहले भी एक ब्लॉग है, लेकिन उसमें भी आपको मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, वो भी आप देख लेना। और ये देखिए यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों के जो है क्रोएशिया के जो है होते हैं ना फ्रॉक्स, क्रोएशिया से बनते हैं फ्रॉक्स, वो भी बहुत अच्छे टाइप के थे, तो उसकी भी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। और ये देखिए इस तरीके से जो है वुडन के स्टिक्स है जो, और वुडन के हर आइटम्स, वुडन के कीचेन्स, वुडन के आपको हर आइटम मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी यानी कि क्वालिटी में होते हैं वो। और ये देखिए ये है सैंडल्स और शूज़ की शॉप्स। और ये कैप्स देख रहे हो आप लोग कितने ब्यूटीफुल है, बैग्स के कलेक्शन भी कितने अच्छे हैं यहाँ पर। तो हम लोग आ गए हमारे डेस्टिनेशन में यहाँ पर लंच करने के लिए। ये होटल अमान होटल में, यानी कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा होता है, हम लोग को सबको पसंद है, तो हम लोग का यानी कि फिक्स ही यहीं पर हम लोग लंच डिनर हो ये यहीं पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वेटिंग बहुत था, तो वेटिंग में तो हम लोग को तो प्लेस जाते ही मिल गई थी, लेकिन पब्लिक बहुत थी होटल में, तो उन लोगों को सर्व करने के लिए कम से कम हम लोग को 1.25 घंटा बैठना पड़ा था। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना फिर टाइम हो गया देगा, फिर उसके बाद में खाना खाने में टाइम लग गया, फिर उसके बाद में हम लोग खाना खा के जब निकले हम लोग लंच करके बाहर, तो फिर हम लोग मार्केट में एक्सप्लोर करने लगे, तो फिर वहाँ पर टाइम हो गया, फिर हम लोग क्या करें कि हम लोग को पॉइंट पर जाना था, तो फिर हम लोग निकले पॉइंट पर जाने के लिए, लेकिन फिर हम लोग को ना वो 5:30 बज गए। 5:30 बजे आप लोग सोच सकते हो पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट के पहले 2.5 किलोमीटर पहले पहुंचे हम लोग, और वहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ था, और वहाँ से कार्स आगे ले जाने का अलाउड नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्स नहीं जाती, कार्स जाती हैं पॉइंट तक, एकदम पार्किंग की प्लेसेस भी होती है, लेकिन ड्यू टू वो रेन्स की वजह से, बारिश की वजह से, और कुछ झाड़ वगैरह भी गिर गए थे, इसलिए वो उन्होंने वहीं पर स्टॉप करा दिया था।
तो अभी समझो हम लोग पहुँचे हैं 5:30 बजे, फिर हम लोग को 2 किलोमीटर चल के अंदर जाना है, साथ में बच्चे भी है, तो फिर कैसा होगा? फिर हम लोग को रिटर्न होने के टाइम पे तो अंधेरा हो जाएगा, और अभी तो ऐसा है कि मगरिब ही 6:15 बजे हो जाती है, 6:10 को हो जाती है मगरिब, तो कितना अंधेरा हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग ने वो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए। एक्चुअली हम लोग आए थे घूमने के लिए ही, लेकिन हम लोग ने जो है यहाँ का बस क्लाइमेट इंजॉय किए, और हम लोग ने पारसी पॉइंट देखे, वीना लेक गए, मैप्रो गार्डन गए, बस ये पॉइंट ही हम लोग ने कैंसिल कर दिए ड्यू टू इतनी यानी कि लेट हो गया। तो फिर कैसे जा सकते हैं अंदर? आप लोग देख सकते हो कितना जंगल का एरिया है। तो फिर थोड़ा दूर तक हम लोग चल के गए, लेकिन फिर बच्चे भी नहीं माने, फिर थक गए थे बच्चे भी, तो फिर हम लोग रिटर्न हो गए। और ऐसे ही हम लोग की तरह ही बहुत सारे लोग भी रिटर्न हो रहे थे। इस तरीके से कार पार्किंग करके करना होता है, और फिर आगे आपको 2-2.5 किलोमीटर चल के जाना, तो फिर कैसा होगा? तो फिर वो हम लोग ने कैंसिल करके तो हम लोग वीना लेक आ गए। तो वीना लेक आकर जो है बोटिंग करना था बच्चों को, लेकिन वो बोटिंग का भी 1 घंटा पहले बंद हो गया था। तो फिर हम लोग ने हॉर्स राइडिंग किए फिर वीना लेक में भी। पर डिसीजन चेंज होते रहते हैं, डिसीजन सबके बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ जाने का, वहाँ जाने का। अभी यहाँ पे 2 किलोमीटर का वॉक है, तो आधे लोग बोले जाने का, आधे लोग नहीं जाने का। अब एक पॉइंट है उधर जा सकते हैं शायद, भी देखेंगे। कितने ट्रैफिक है आप लोग देख सकते हो महाबलेश्वर के पहाड़ों पर भी। और आप लोग देख सकते हो कितनी ट्रैफिक लग गई थी वहीं पर, फिर हम लोग और आधा घंटा लग गया। तो इस तरीके से फिर ये देखिए हमारी कार में मस्ती चालू है, और इस तरीके से फिर हम लोग को वहीं पर आधा घंटा लग गया। तो फिर वीना लेक जाते हुए हम लोग को बोटिंग बंद हो गई, बोटिंग इनका जो है 1 घंटा पहले ही फिर वहाँ पर भी बंद हो गया था। हम लोग घर से 12 बजे निकले थे नाश्ता करके, और यहाँ पर आकर हम लोग ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाजार में इतना हम लोग को टाइम हो गया यहाँ के मार्केट में, यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है। तो अभी बज रहे 5:30 और हम लोग को पॉइंट घूमने जाने का है, लेकिन पॉइंट हम लोग के जाने तक बंद हो जाएंगे, रात हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं जाके। तो हम लोग सोच रहे रास्ते में ही जाते हुए वीना लेक आता है, एक वीना लेक पॉइंट है वो भी, वहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, तो और बोटिंग भी होती है ना, हमें बोटिंग भी होती है वहाँ पे, तो फिर हम लोग वो पॉइंट कवर करते हुए फिर घर पे चले जाएंगे रात। तो बस और मैप्रो गार्डन भी कवर करेंगे, मैप्रो गार्डन भी कवर करेंगे। और बारिश की वजह से ना काफी पॉइंट के रास्ते बंद है झाड़ गिरने की वजह से, और दो हम तीन किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग 2-3 पॉइंट पर गए, लेकिन कैंसिल करके हम लोग रिटर्न आ गए, क्योंकि फिर पार्किंग कहीं करना है, फिर चल के जाना, तो बच्चे लोग के साथ में इतना होना पॉसिबल नहीं, अम्मी भी है साथ में तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग अभी सीधा वीना लेक जाएंगे, वहाँ से मैप्रो गार्डन, फिर वहाँ से घर पे चलेंगे वाई पे, उसके बाद में मैप्रो गार्डन। पहले अभी लेक आएगा ये हॉर्स पर, और ये देख सकते हो आप लोग, ये दिख रही है यहाँ से वीना लेक। और यहाँ पर भी फिर से हमको ट्रैफिक मिला, कितने स्लो मूविंग है ट्रैफिक यहाँ पर, ये देख सकते हो आप लोग। इसमें बीच में बाइक की वजह से और ट्रैफिक हो जाती है। और ये सीन देखिए आप लोग, सनसेट का बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और वीना लेक के अपोजिट में सामने इस तरीके से ये जो है झूले वगैरह लगे हुए थे, और यहाँ पर ये देखिए ये होटल्स है सब। और बोटिंग के लिए हम लोग को लेट हो गया, वही यानी कि बच्चों को बोटिंग भी करना था। तो फिर हम लोग दूसरे दिन जो है डैम गए थे, धूम डैम, तो फिर वहाँ पर बोटिंग करने के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो फिर बच्चे फिर खुश हो गए। और देखिए यहाँ पर पार्किंग का भी बहुत ही यानी कि जो पॉइंट होते हैं ना वहाँ से, तो आपको पार्किंग का जो है जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है।
और यहाँ पर हम लोग जो है हॉर्स राइडिंग बच्चों ने किए थे। इसके पहले हम लोग 2019 में आए थे, तो तभी मल्लिका के डैडी ने भी किए थे हॉर्स राइडिंग। और ये लोग घोड़े को जो है ऐसा ऊपर यानी कि उछालते हैं, तो फिर वो उसका एक फ़ोटो भी मैंने क्लिक करी थी उसके डैडी का। और ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी यानी कि सनसेट हो रहा था और मगरिब का वक्त भी हो रहा था, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी फिर बच्चों ने हॉर्स राइडिंग किए, मल्लिका, मुन्नू, सुहान, अमान इन लोग ने। अलीज़ा को डर लग रहा था, अलीज़ा ने नहीं करी। और फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे आगे मैप्रो गार्डन के लिए। और ये देखिए ये जा रहे हैं मल्लिका और मुन्नू। तो इस तरीके से अभी मल्लिका को अकेले बैठने डर लग रहा था, तो फिर हम लोगों को मुन्नू को भी साथ में बिठाना पड़ा। तो इस तरीके से पूरे इन्हीं का एक ये एरिए का राउंड लगा कर लाते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इनके घोड़े भी इतने ट्रेंड होते हैं ना कि अगर छोड़ भी दिए ना तो वो बराबर अपनी प्लेस पर आकर ही खड़े हो जाते हैं। और इस तरीके से ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है, ये सब कार्स इस तरीके से रुके हुए हैं यहाँ पर, इन्हीं के सब लोग इंजॉय करते हैं। फिर ये देखिए ऐसे हर इन्हीं के बहुत सारे यहाँ पर हॉर्स है, और आपको शायद पर पर्सन 200 रुपीज़ है एक राउंड मारने का। और वो जो घोड़ा जब इन्हीं के ऊपर ऐसा उछालते हैं ना, तो वो उसका भी लोग शायद 200 ही लेते हैं, फिर फ़ोटोज़ क्लिक करना होता है। तो फोटो देखिए आई मल्लिका, चलो बैठे का घोड़े पे रुक रुक एक मिनट रुक, मुन्नू यहाँ देख, मुन्नू यहाँ देख, साइड पकड़, लोग कहीं उछल गिर जाएंगे। अरे भाई मैं उछलते नहीं भाई, की तलब लगी है। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम का पता नहीं है, शायद 6:30 हो रहा है। और अभी तक हम लोग यहीं पे है, वीना लेक बोलते हैं इसको, वीना लेक में है। और महाबलेश्वर में जो है ड्यू टू कोविड और बारिश की वजह से कुछ कुछ पॉइंट्स बंद थे, और 2-2.5 किलोमीटर चल के अंदर जाना था, तो वो हम लोग ने कैंसिल कर दिए। इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे मैप्रो गार्डन हुआ तो जाएंगे, नहीं तो अंधेरे में जाके कोई मतलब नहीं है। फिर मिलते हैं आपको। और अब हो चुका है सनसेट, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यानी कि मौसम हो गया है, क्लाइमेट कितना अच्छा हो गया है, आपको बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है मगरिब हो गई थी, तो हम लोग वहाँ से निकल कर यहाँ पर मैप्रो गार्डन में आ गए थे। एक्चुअली मैप्रो गार्डन में ना डे के वक्त बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग आते आते इतना लेट हो गया था, तो रात हो गई थी और अंधेरा हो गया था। तो ये आप लोग देख सकते हो मैप्रो गार्डन जो है यहाँ पर, मैप्रो एक कंपनी है, तो वहाँ पर जो है ना आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्ट्रॉबेरी क्रश हो गया, मैंगो क्रश हो गया,
और भी बहुत सारे जो है फ्रूट्स के जो है फ्लेवर्स में आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, और जैम्स के बॉटल्स वगैरह है, और जेली के जो है कैंडीज होते हैं वो मिलते हैं, और ये है ना खाकरा बनाते हैं ना वो वाली मशीन थी वो, उसमें खाकरा बनता है। और ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है, प्लांट्स बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, और आपको जो है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉर्नर्स यहाँ पर बने हुए हैं मिलेंगे, जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, फ़ोटो सेशन कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर। ये जो है ये रात का वक्त है अभी, तो आपको कुछ इतना दिखाई नहीं देता दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको 2019 में जो है जब हम लोग गए थे वो वाला आपको मैं वीडियो बताती हूँ, वो डे के वक्त का है, तो वो आपको समझ में आएगा कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का सीन। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये 2019 का वीडियो मेरे पास था तो मैंने इसमें ज्वाइन कर दी, और आपको बता रही हूँ कि ये डे का वक्त है और ये मैप्रो गार्डन ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल पॉन्ड है यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ, इसमें फिशेस भी थे उस वक्त, अब पता नहीं अभी तो हम लोग अंधेरे में गए थे तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन ये है मैप्रो गार्डन के बैक साइड का, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ के गार्डन्स हैं यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ की खेती होती है, तो यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आपको मिल जाएगी। ये उस वक्त का वीडियो है, दिसंबर का वीडियो है 2019 का, तभी तो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज मिल रहे थे। और ये देख सकते हो आप लोग, ये मैं आपको बस बताने के लिए वो वीडियो ज्वाइन करी हूँ इसके अंदर, और इसका व्लॉग भी एक अलग से है मेरे चैनल पर ऑलरेडी से। ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से जो है बोलते हैं ना ओस में उगता है ये स्ट्रॉबेरी, देखिए स्ट्रॉबेरीज दिख रहे हैं इसके अंदर प्लांट्स के अंदर, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देख सकते हो आप लोग फ्रेश स्ट्रॉबेरीज वहाँ पर लोग सेल भी कर रहे थे उस वक्त, लॉकडाउन लगने के पहले हम लोग जब गए थे वहाँ पर, उस वक्त की बात है ये। और यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे, तो अब आ गए हैं हम लोग इस वक्त के वीडियो में, रात का वीडियो है तो आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग को सबको, फिर बच्चों को भूख भी लगना चालू हो गई थी, क्योंकि हम लोग ने फिर वहाँ पर टाइम बहुत स्पेंड किए थे ना, नाश्ते का वक्त हो गया था और शाम का नाश्ता तो हमारे लिए मस्ट है, तो शाम के लिए हम लोग ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविचेस और शेक्स और आइसक्रीम्स वगैरह लिए थे, तो वही सब बच्चे लोग ने और हम लोग ने नाश्ता किए, फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल के चाय पिए थे। और भी शॉपिंग करनी थी, चिक्कीज है, फज है, और बहुत सारे आइटम्स हम लोग ने बाय किए यहाँ से। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद फिर हम लोग को बहुत भूख लग गई थी, तो यहाँ पर फिर हम लोग ने नाश्ता वगैरह किए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्रेश जो है ऑर्डर लेकर लोग बनाते हैं, और इनके फूड का जो क्वालिटी है यहाँ पर बहुत अच्छा है, और ऑन द स्पॉट लोग बना कर देते हैं, और यहाँ पर उसके लिए भी यानी कि आपको जो आपके टेबल्स होते हैं, ये देखिए इस तरीके से जो टेबल्स के ऊपर बारकोड लगे हुए हैं ना, तो वो उसमें आपको स्कैन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको एक मेन्यू आता है, फिर मेन्यू में से आप सिलेक्ट करो, फिर वहीं पर ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है, तो फिर वो आपका जो है ऑर्डर उन तक पहुंचता है, तो फिर वो ऑर्डर नंबर के हिसाब से फिर आपको माइक में बोलते हैं, तो फिर आपको कॉल करते हैं कि आपका ऑर्डर नंबर ये है 201, तो ऑर्डर नंबर 201 आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप लेके जा सकते हो। हम करने वाले हैं, हम लोग खाने वाले पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, और ये देखिए ये जो है पिज़्ज़ा का कॉर्नर है, और यहाँ पर जो है फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा मिलता है, और आपको फ्रेशली बेक्ड करके पिज़्ज़ा देते हैं जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी था। अभी वक्त हो रहा है 7:30 बजे है, और हम लोग ट्रैफिक में थे, वहीं से निकले थे महाबलेश्वर से निकले थे जब हम लोग ट्रैफिक में थे, तो हम लोग ने वीना लेक गए, और अभी हम लोग मैप्रो गार्डन आए हैं और पिज़्ज़ा और आइसक्रीम ऑर्डर किए हैं। अब देखो अभी कभी आती है, मेरे को तो चाय की इतनी तलब हो रही है ना, 5:30-6 बजे से मेरे को चाय की तलब होती है, मेरा सर अभी बहुत दुख रहा है, लेकिन अभी हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा और आइसक्रीम,
और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। उसके बाद फिर रात में घर पे जाएंगे या फिर रात का डिनर करने के लिए क्या करते हैं देखते हैं। और चाय की बहुत तलब हो रही है लेकिन कोई मेरी बात सुन रहा नहीं है, मेरे को कोई चाय पिला रहा नहीं है। सबको पिज्ज़ा और आइसक्रीम खाना है तो ठीक है, बच्चों की बात सुनना पड़ता है। लेकिन वो एक्चुअली वो ट्रैफिक में हम लोग अटक गए थे बीना लेक के तरफ आने के लिए, बहुत सारी ट्रैफिक लाइन वहाँ पर। और आप लोग देख सकते हो हमारा स्नैक्स आ गया है और आइसक्रीम और स्नैक्स एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर और चाय पी उसके बाद हम लोग ने, और चाय भी बहुत ही औसम थी, बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे लंच के लिए। हाँ, हम लोग को जाते थे वाई में टाइम हो गया था तो उतने में लंच का टाइम भी हो गया था फिर। और ये आप लोग प्लांट्स देखते हो, कितने देख सकते हो, कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर हम लोग यानी कि ये जो है नीचे फूड कोर्ट है उसके ऊपर जाएंगे तो मैप्रो का जो एक क्या बोल सकते हो आप, एक मार्केट के जैसा है, सुपरमार्केट छोटा सा, वहाँ पर आपको मैप्रो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जैम हो गया, क्रश हो गया, स्ट्रॉबेरी के ये वो सब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको शॉपिंग करना है मैप्रो का जो भी प्रोडक्ट तो आप वहाँ से ईजीली बाय कर सकते हो। और आपको मैप्रो के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी अवेलेबल है, मुझे पता नहीं इंडिया में है कि नहीं लेकिन महाराष्ट्र में है। और इनकी क्वालिटी एकदम सुपर होती है, एकदम अमेजिंग होती है मैप्रो की और मालास की भी। मैं हम लोग हमेशा जो है बाय करते हैं, जैम्स हो गया और बहुत सारे आइटम्स हो गए बच्चों के खाने के जो होते हैं ना फलेरो ये वो, उसमें जेली होती है वो सब, तो अच्छी क्वालिटी की होती है। और ये देख सकते हो आप लोग, ये बेकरी है यहाँ पर। और इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर चिक्की फज और बहुत सारे आइटम्स जो है मालास के मैप्रो के अवेलेबल होते हैं तो इजीली आप लोग बाय कर सकते हो। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम लोग कहीं पर गए थे, उसका वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी कल। तो वाई में ही गए थे हम लोग, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और ये है वाई गांव, वाई गांव में जो है मेरी देवरानी के भी रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, इनके पूरे उसके रिलेटिव्स उनके यहीं पर है तो उनके घर पर भी हम लोग गए थे मिलने के लिए। तो मैं ये शूट कर रही थी, आप लोगों को बता रही हूँ कितना अच्छा यहाँ का क्लाइमेट है। और प्लांट्स आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे यहाँ पर। और ये है उनका घर जिनके घर पर हम लोग गए थे, माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है इनका, आप लोग देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।